मैं हूं साक्षी खट्टर और फिटनेस 365 डेज हेल्थ प्लान में आप सभी का स्वागत है। आज हमारी सीरीज का 10th डे है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल फिटनेस 365 डेज को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से कर लें, ताकि ये पूरा 30 डेज का फिटनेस प्रोग्राम आप देख पाएं। आज हम बात करेंगे फैट्स की। फैट्स क्या होते हैं, क्या डाइट में फैट्स लेने से वजन बढ़ता है, किस तरह के फैट्स हमें डाइट में लेने चाहिए और इससे जुड़े और कई सवाल, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। पहले तो ये कंफ्यूजन ना रखें कि यहाँ आपके बॉडी फैट की बात हो रही है। मैं बात कर रही हूँ हमारी डाइट से मिलने वाले न्यूट्रिएंट्स की, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, उसी तरह फैट्स भी इसी लिस्ट में आते हैं। मैंने बहुत लोगों से सुना है जो ये मानते हैं कि अगर वजन कम करना हो तो फैट्स खाने बंद कर देने चाहिए। बहुत सी डाइट्स भी लोग फॉलो करते हैं जिसमें फैट परसेंटेज ना के बराबर होती है, पर ना तो ऐसी डाइट्स लॉन्ग टर्म काम करती हैं और ना ही फैट्स को पूरी तरह अवॉइड करने से वजन कम किया जा सकता है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि फैट्स आखिर होते क्या हैं। फैट्स एक तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमें हमारी डाइट से मिलते हैं। फैट्स हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं ताकि हमारी बॉडी काम कर सके। तो जैसे एक इंजन को फ्यूल चलाता है, वैसे ही फैट से हमारी बॉडी में एनर्जी आती है। अच्छी स्किन और बालों की ग्रोथ के लिए भी फैट जरूरी होते हैं। तो अगर आप डाइट में फैट्स लेना एकदम से बंद कर देंगे तो आपको इसका सीधा असर अपनी स्किन या बालों में दिख सकता है। फैट्स हमारी बॉडी में विटामिंस को अब्सॉर्ब करने में भी मदद करते हैं और साथ ही बॉडी में ऐसे हार्मोन्स बनाते हैं जिससे कि हमारी बॉडी सही से काम कर सके। एक चीज और समझने वाली है और वो ये है कि फैट्स दो प्रकार के होते हैं, गुड फैट्स और बैड फैट्स। जैसे कि आप नाम से ही समझ सकते हैं, गुड फैट्स हमारी बॉडी को फायदा देते हैं और बैड फैट्स हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं। गुड फैट्स होते हैं अनसैचुरेटेड फैट्स और बैड फैट्स में आते हैं सैचुरेटेड और ट्रांस फैट्स। अब एक एक करके इसे डिटेल में समझते हैं। गुड फैट्स आपके दिल की हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं, आपका मोटापा बढ़ने नहीं देते और आपके मसल्स बनाने में काम आते हैं। अब ये गुड फैट्स भी दो तरह के होते हैं। इसमें पहले आते हैं मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स। इसमें आते हैं ऑलिव, पीनट एंड कैनोला ऑयल्स, एवोकाडोस, आमंड्स, पम्पकिन एंड सेसमे सीड्स। और दूसरे हैं पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स, जैसे कि सनफ्लावर ऑयल, वॉलनट्स, फिश, फ्लैक्स सीड्स और ओमेगा 3। ये फैट्स हमारी हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं। इससे हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल भी नियंत्रित रहता है, इसलिए इन्हें रेगुलरली खाना चाहिए। रोजाना अपनी डाइट में अच्छे फैट्स का होना हमारे हार्मोनल लेवल्स के लिए भी जरूरी है। तो जो लोग ये अच्छे फैट्स नहीं खाते उन्हें हार्मोनल इम्बैलेंस की शिकायत भी हो सकती है, उनका मेटाबॉलिज्म भी वीक हो सकता है और अल्टीमेटली वजन भी बढ़ सकता है। अब बात करते हैं बैड फैट्स की, जिसमें पहले बात करते हैं सैचुरेटेड फैट्स की। ये ऐसे फैट्स हैं जो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक हैं। इन्हें खाने से हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल और एलडीएल लेवल बढ़ जाता है और ये हमारी हार्ट हेल्थ के लिए भी अच्छे नहीं होते। इसमें आते हैं रेड मीट, हाई फैट डेयरी प्रोडक्ट्स, एग योक, कोकोनट ऑयल, पाम ऑयल, बटर, चीज एक्सेट्रा। तो इन सभी चीज़ों को जितना कम खाएं उतना अच्छा है। एक और बात ध्यान देने वाली ये है कि जो कोकोनट ऑयल है वो एक हाई लेवल सैचुरेटेड फैटी एसिड है, पर ये बैड फैट होके भी आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है। ये आपकी बॉडी में एलडीएल लेवल्स को कम करता है, इसलिए आप इसे कुकिंग में भी सेफली यूज़ कर सकते हैं। बैड फैट्स में जो अगली कैटेगरी है वो है ट्रांस फैट्स की। ट्रांस फैट्स जनरली पैक्ड फूड आइटम्स में पाए जाते हैं ताकि पैक्ड फूड्स की शेल्फ लाइफ बढ़ाई जा सके, जैसे कि फ्रोजन पिज्ज़ा, माइक्रोवेव पॉपकॉर्न, बिस्किट्स, कुकीज़ इत्यादि। इसे खाने से बॉडी में एचडीएल लेवल कम होता है और एलडीएल लेवल बढ़ जाता है, जो कि हार्ट हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। तो अगली बार जब भी आप मार्केट से पैक्ड फूड आइटम्स लें तो लेबल ज़रूर चेक कर लें ताकि उसमें ट्रांस फैट्स ना हों। तो अब आपको ये तो पता चल गया होगा कि फैट्स खाना बुरी चीज़ नहीं है और इससे हमारा वजन भी नहीं बढ़ता, बल्कि अगर हम अच्छे फैट्स खाएंगे तो वो हमारी हार्ट हेल्थ के साथ साथ हमारे मेटाबॉलिज्म के लिए भी अच्छा होगा, और अगर मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा तो हमारा वजन भी जल्दी कम होगा। जाने से पहले आज का टिप ये है कि जब भी आप बाजार से कोई भी ऑयल खरीदें तो उसका लेबल ज़रूर चेक कर लें। अगर आपको उसमें ट्रांस फैट्स या सैचुरेटेड फैट्स दिखें तो वो चीज़ें ना खरीदें। ये छोटी छोटी हैबिट्स ही आगे चलकर हमारी अच्छी सेहत में कंट्रीब्यूट करती हैं। हेल्दी फैट्स ज़रूर खाएं और हर रोज़ खाएं। अपने अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से ऑयल्स कुकिंग के लिए हेल्दी होते हैं और उन्हें खाने से हमें क्या फ़ायदे मिलते हैं। देसी घी, जो कि एक हेल्दीएस्ट फैट है, उस पर भी डिटेल में बात करेंगे
और जानेंगे कि वजन घटाने के लिए घी खाना सही है कि नहीं। इसलिए नेक्स्ट वीडियो को मिस ना करें। उम्मीद करती हूँ कि आज का टॉपिक आपको पसंद आया होगा। आपके मन में इससे जुड़े जो भी सवाल हो वो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और अगर यूजफुल लगी हो तो इसे शेयर जरूर करें। ऑल द बेस्ट।